गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मेरा टेक्निकल रोनल ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। सबसे पहले तो 75वां इंडिपेंडेंस डे में आप सबको धन्यवाद देना चाहेंगे और आप सबको देश के भारत के सभी वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज का ये विशेषकर स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये ब्लॉग बना रहा हूँ दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अभी दोस्तों देखिए, ये फ्लैग हमने लगा लिया है, देख सकते रहे दोस्तों। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आपका नाम है, मेरे साथ अभी जुड़ने वाला है, नाम सागर है मेरा अपना दोस्त। और दोस्तों आप लोगों को बधाई देना चाहेंगे, विशेषकर आपको भी बधाई देना चाहेंगे और 75वां इंडिपेंडेंस डे में और मेरे चैनल में आपको स्वागत है। और आप देश के सभी लोगों को आप इस स्वतंत्र दिवस के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें संपूर्ण देशवासी को हमें ये पहले तो स्वतंत्र दिवस के बहुत सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। और ये मेरे संदेश में हम जितने भी देशवासी, संपूर्ण देशवासी है और हमारे देश के लिए हमारे पूर्वजों ने जितना भी हमारे जो भगत सिंह, जो भी महात्मा गांधी, जो भी बलिदान दिया है उस दिन आज उसकी बदौलत हमने आज स्वतंत्र होकर हम जी रहा है। और मैं हम उस वो शहीद, जितने भी शहीद हुआ है इस देश के लिए, मैं हम सभी देशवासी उनकी याद पर अपने अपने धर्म, अपने अपने पर हम देश के लिए प्रे करना चाहिए और उसका भी याद करना चाहिए, वो जो हमारे देश के लिए शहीद हुआ है। मैं यही कहूँगा देशवासी के लिए, अगर हम भी सभी देश के लिए प्यार करना चाहिए। जितने भी भ्रष्टाचार हो रहा है देश में, ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे जितना भी जो आर्मी में लड़ा, वो जो जितना भी आंदोलन में, जितना भी वो हमारे देश पर अंग्रेजों जो हमारे उस ये स्वतंत्र के लिए लड़ा, अपने जान दिया उसके लिए, वो कभी नहीं चाहता था हमारा देश ऐसा हो। हमारा देश ऐसा हो और हम भी सभी देश भक्त होना चाहिए, देश के लिए प्यार होना चाहिए, हमारे एकजुट होना चाहिए। इस तिरंगे के नीचे हम सभी, ये देश भारत देश में जितने भी जाति है, हम एक ही है, सभी एक ही है। हमें भारतवासी है और हम देश के लिए अपने जान भी कुर्बान कर सकना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच आप मेरे चैनल में रहने के लिए। अच्छा संदेश आपने दिया है देश के लिए, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम तो तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा साथीहरु। अनि आज हामी बात गर्न गइरहेको छौ पास्टर फिलिप मोक्तानज्यू, उहाँ हाम्रो साथमा अनि च्यानलमा हुनुहुन्छ दोस्तों। अनि उहाँद्वारा आज हामी देशवासीको लागि शुभकामना सहित मेरो भ्युअर्सहरुलाई के भन्नुहुन्छ अनि उहाँद्वारा हामी सुन्ने छौ। सर्वप्रथम त तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ अनि धन्यवाद मेरो च्यानलमा केही कुराहरू राखिदिनु भएको लागि। अनि तपाईँले अनि देशमा भएको सबै देशवासीहरूलाई, जो सिमानामा छन्, बर्डरमा भएको अनि सिपाहीहरू छन्, अनि भारतमा भएको हरेक जातिहरूलाई तपाईँले आजको यो 75वां इन्डिपेन्डेन्स डेमा तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद यसरी यो केही दुई शब्द बोल्ने मौका मलाई दिनुभएको लागि। अनि सर्वप्रथम त हामी सम्पूर्ण हामी मिलिकन हाम्रो देशप्रति, हाम्रो समुदाय नै ईश्वरसँग बार बार हामी प्रार्थना गरिरहन्छौँ
अनि हाम्रा सुरक्षाको लागि हाम्रा देशका अग्रजहरू राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री एमपी एमएलए सबै माथिदेखि लिएर सबै कृषकसम्मले हाम्रो देशको लागि चाहिँ एउटा मरिव्यक्ति श्रद्धा गर्दछन्। यो सराहनीय छ। अनि साथसाथै सिमानामा बसी आफ्नो ज्यानको आहुति दिन चाहेर आफ्नो रगत बोकाएर आफ्नो देशलाई रक्षा गर्ने सिपाहीहरूप्रति यति बेला म पनि उहाँहरूलाई सलाम गर्छु। अनि हामी भारतवासीहरू हाम्रो देशको लागि सुरक्षा होस् भनेर ईश्वरसँग हामी बार बार प्रार्थना गरिरहेको हुन्छौँ। अनि बाइबल धर्मशास्त्र वचन हितोपदेश 14:34 यसो भनेर लेखिएको छ, धार्मिकताले देशलाई उचाल्दछ तर पाप गर्नु चाहिँ कुनै पनि जातिको लागि बेइज्जती हो। यस कारण हामी सबै भारतवासीहरूले हाम्रो एउटा धर्मको नातामा हाम्रो देशको लागि प्रार्थना गर्नु, हाम्रो अग्रजहरूको लागि अघि भने चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सबै देशको माथि उच्चदेखि लिएर तलसम्मका सबैले सुरक्षा गरी प्रार्थना गर्नु हामीले अति नै जरुरी छ। अनि हाम्रो धर्म क्षेत्रमा ईश्वरसँग हाम्रो साँच्चीमानाको रक्षा, हाम्रो धनजनको रक्षा, अनि हाम्रा सीमा साँच्चीमानाको बाहिरको देशबाट खोसिने मिचिनदेखि रक्षा गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना हाम्रो जरुरी छ। अन्तमा हाम्रा देशलाई सञ्चालन गरिराख्नुभएका अनि अझ छ्यादरमा यो वर्षगाँठमा विगतदेखि हाम्रो देशलाई सञ्चालन गरेर ल्याउनु भएका राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू, एमपीहरू, एमएलएहरू, जनताहरू जसले एकजुट भएर देशको लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिँदै सैनिकहरू, आर्मगार्डहरू, सिभिकहरू, पुलिसहरू, एसएसबीहरू, विशेषहरू सबै नै एकजुट भएर आफ्नो देशको रक्षा गर्दै रहेकोमा उहाँलाई बधाई दिँदै उहाँलाई धन्यवाद दिँदै अझै पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूको सबैको आत्मा शरीर प्राणको, हाम्रो देशमा रहेका विधवाहरूको, विधवीहरूको, टुराहरूको, टुहरीहरूको, बेसराहरूको सबैको लागि हाम्रो देशमा एउटा उहाँले श्रद्धा जागेको हुन्, देशले उहाँलाई पनि सहयोग पुर्याउन सकोस् भन्ने मेरो यो सानो वक्तव्य राख्दै मेरो देशप्रति म श्रद्धालु भन्दै म मेरो देशलाई, भारतलाई, मेरो भारतमान भन्दै म सलाम गर्छु, मेरो देशलाई म इज्जत गर्छु। धन्यवाद। तपाईँको शक्तिशाली तपाईँले कुरा आफ्नो देशप्रतिको यो भक्ति अनि सबै कुराहरू तपाईँले राखिदिनु भयो। अनि भ्युवर्स तपाईँलाई धन्यवाद, मेरो च्यानल तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। शुभ नामे जागे तब
शुभ आशीष मागे गाए नव जय गाता जर मंगल धायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 आज हामी हाम्रो भारत देशको स्वतन्त्र आयु 76 वर्षमा पाइला टेक्दै गर्दैछ अनि यसको लागि हामी एकदमै खुसी बन्नुपर्छ यसरी नै हाम्रो देशको जबसम्म पृथ्वी रहन्छ हाम्रो देश स्वतन्त्र पनि रहन् अनि हाम्रो देशमा असल असल अनि अग्रजहरू स्वर्गको परमेश्वरले प्रदान गरिएका हुन् अनि हाम्रो देशको स्वतन्त्र हुँदै गर्दाखेरि बाहिरका कुनै पनि शक्तिद्वारा हाम्रो देशलाई धक्का पुर्याउनदेखि आतंकवादीको हातदेखि बचाउनलाई परमेश्वरले हाम्रो देशलाई सहायता गरून् यही छोटो शब्द मेरो यहाँ छ यति बेला हामी मिलिकन प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रो देशको लागि देशवासीको लागि सीमानाको लागि आउनु हामी प्रार्थना गरौँ सर्वोच्चमा विराजमान भएको हाम्रो भारत देशलाई तपाईँले स्वतन्त्र हुन दिनुभयो आजसम्म निरपेक्षता हामीले तपाईँको सेवा आराधना गर्दै पिता ग्रहण गर्नुहोस् मुक्तिदाता परमेश्वर ख्रीष्टको नाममा आमेन।